శ్రీమన్మహాగణాధిపతై నమః ఓం గంగణపతై నమః ఓం మంగళమూర్తై నమః ఓం విఘ్నహర్తై నమః ఓం విఘ్న వినాశాయ నమః ఓం ఉమాసుతాయ నమః మంగళం భగవాన్ విష్ణు మంగళం గరుడధ్వజ మంగళం పుండరీకాక్ష మంగళాయస్తనోహరి సర్వమంగళమంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే యస్యా ప్రభావమతులం భగవాన్ అనంతో బ్రహ్మహరస్త నహి భక్తుమలం బలం చ సా చండికాఖిల జగత్ పరిపాలనాయ నాశాయ చ శుభవస్య మతిం కరోతు యా శ్రీ స్వయం సుకృతినాం భవనేషు లక్ష్మీ ఆపాత్మనాం కృతధియాం హృదయే సుబుద్ధి శ్రద్ధా సతాం కులజన ప్రభవస్య లజ్జా తాం తాం నతాస్మ పరిపాలయ దేవి విశ్వం. बोले गणपति भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। आए मेरी सच्चियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। बृहस्पति देव भगवान की जय। आइए आज हम बृहस्पति देव की अरिष्ट दोष की शांति के लिए भगवान बृहस्पति का यजन पूजन करने जा रहे हैं। वैसे आज से बृहस्पति देव मार्गी होकर के भ्रमण करेंगे। कल तक बकरी थे। देखिए बृहस्पति देव के पूजन से मनुष्यों की संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संपूर्ण समस्याएं समाप्त होकर के जीवन खुशियों से भरा होता है। मानसिक अशांति दूर होती है। जो पारिवारिक अशांति है वो दूर होती है। पढ़ाई में जो विघ्न बाधा है वो दूर होती है। उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। अगर आप नौकरी पेशा करते हैं नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति होती है। व्यापार धंधे में वृद्धि होती है। तो यानी कि संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वैवाहिक जो जीवन है वो सुखमय होता है। जीवन खुशियों से भरा होता है। परिवार से पारिवारिक मानसिक आर्थिक यानी कि संपूर्ण समस्त जो समस्याएं हैं उनका निदान होता है। क्योंकि बृहस्पति गुरुदेव हैं। गुरुदेव की कृपा से मनुष्य का जो जीवन है क्या होता है, खुशियों से भरा होता है, खुशहाली से भरा हुआ। तो मनुष्य जिस कामना को लेकर के यजन करता है तो उसकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे नौकरी की प्राप्ति के लिए नौकरी की कामना से करते हैं तो आपको जो अच्छी नौकरी की प्राप्ति होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है। और एजुकेशन में पढ़ाई में अपने पढ़ाई में बच्चों के पढ़ाई में जिस निमित्त आप करते हैं यानी कि बच्चों के पढ़ाई में भी मन लगता है, बच्चों का जो है पढ़ाई अच्छा होता है, यानी कि संपूर्ण मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। जिस भाव को यम यम चिंतय थे कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, आप जिस कामना को लेकर के
भगवान बृहस्पति का आयोजन करते हैं, भगवान बृहस्पति वो कामना को पूर्ण करते हैं। आइए समीर गोयल जी, आपकी मनोकामना है कि आपको जो है अच्छी नौकरी मिले और खुशहाल जीवन हो, अपने बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो, अवश्य बृहस्पति देव की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आइए अब हम लोग पूजन करते हैं। देखिए पूजन जो किया जाता है बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में करना चाहिए। देखिए श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, श्रद्धा से विरहित किया गया जो यजन है पूजन है वो पूर्ण फल को प्राप्त नहीं देता है, पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भावति तादृशी, आपकी जैसी भावना है आपकी जैसी श्रद्धा है वैसे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में हम लोग जो है भगवान का पहले गणपति वरुण कलश सूर्य आदि नव देवता आदि का पूजन पूर्वक भगवान बृहस्पति का आराधना करेंगे, पूजन करेंगे कि हे बृहस्पति देव आप हमारी मनोकामना को पूर्ण करें, हमें अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो, खुशहाल जीवन हो, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो। आइए अब हम लोग पूजन प्रारंभ करते हैं। आचम्य प्रणनायम्य केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, स्तौ प्रक्षाल्य गोविंदाय नमः, अथ पवित्रीकरणम् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षम् सवाह्याभ्यन्तरः सुतिः पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनम् पृथिव्यै नमः, आधारशक्त्यै नमः, कुर्मासनाय नमः, कमलासनाय नमः, परासनाय नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि श्रीभूम्यै नमः, अथ भूतोत्साधनम् अपसर्पन्तु ये भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्तेन स्यन्तो शिवाज्ञया पाक्रमन्त भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म संप्राप्त्यै नमः, ओम वाच्यै नमः, ओम प्रत्यच्यै नमः, ओम उदिच्यै नमः, अन्तरिक्षाय नमः, कर्म भूम्यै नमः, एवं दश दिशो रक्षित वासुदेवो जनार्दनः। आइए अब दीप का ध्यान करेंगे। कर्म साक्षी दीपक होते हैं। ओम दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पाप भो दीप सुस्थिरो भव, कर्म साक्षिणे दीप नारायणाय नमः, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षित पुष्पाणि समर्पयामि, अथ स्वस्ति वाचनम्। अब स्वस्ति वाचन करेंगे। भगवान गणपति स्थान देवता ग्राम देवता सभी देव देवताओं का आह्वान पूजन करेंगे कि आप यहाँ करके विराजमान हो, हमारे पूजन को स्वीकार करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी भावना रखते हुए सभी देव देवताओं का आह्वान करेंगे। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्र दशरवा स्वस्ति न पोखा विश्ववेदा स्वस्ति न स्थार्चो अरिष्टनीमिः स्वस्ति न बृहस्पति ददातो ओम बृहदस्वामरुतः प्रश्ने मातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजुह्वा मनवः सूरतचसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णीभिः शृणुयाम देवा भद्रं पशेमाक्षवर्जयत्राः स्थिरैरङ्गै सुष्ठु भागं स्वस्तनो विभ्यसेमहि देवहितं जदायो सतमिन्नो सरदो अन्ति देवा जत्रान सक्रां जरसंतनु नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिहता युर्गन्तो आदित्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंच जना अदितिर्जातमदितिर्जानतुम् ॐ द्यौ हौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अवयं कुरु सन्न कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः गणानां त्वा
गणपति गं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्ते स्वकः सुभद्रिकां कम्पिलवासिनीम् सुशान्तिर्भवतु। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अभिनमस्तु सुमुखस्थै कदन्तस्था कपिलोकर्णका लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यपठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ संकल्पः। समीर गोयल जी, आपके मन में जो भी मनोकामना है आपने अपनी मनोकामना को स्मरण करना है और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी है कि हे बृहस्पति देव, आप हमारी मनोकामना को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करें, हमें जो अच्छी नौकरी मिले और जो है बच्चों का जो करियर है एजुकेशन बढ़िया हो अच्छी हो। आइए संकल्प करते हैं। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मनि अद्य श्री ब्राह्मणंदिहि द्वितीये परार्घे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बुद्वीपे भूर्लोके वैवस्वतन्वन्तरे भारतखण्डे भरतवर्षे आर्यावर्तेकदेशान्तर्गत इन्द्रप्रस्थे भगवती यमुनादिभ्याः पुरविभागे गीता कालोनी नामनी क्षेत्रे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये विरोधकृत नामनी संवत्सरे उत्तरायणी श्री सूर्य महामंगलप्रदमासोत्तमी मासे पुण्यपवित्रे मासे आषाढमासे शुभे कृष्णपक्षद्य महापर्वणि द्वादश्यायां शुभपुण्यतिथौ वासराः वासरस्तो भौम वासरान्वितायां यथा यथा राशिस्थानसस्सो एवं ग्रहगण विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ गोत्राहं नामाहं गोयल गोत्रोत्पन्नोऽहं समीर गोयल नाम्नः पिता नाम धर्मपाल गोयल मम यजमानस्य सकला कामना सिद्ध्यर्थं विपुलधनधान्यादि प्राप्त्यर्थं अप्राप्तलक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्तलक्ष्मीस्थिरकालनान्तरसंरक्षणार्थं सद्यैव दशविधलक्ष्मी प्राप्त्यर्थं केचिद् विरुद्धा चतुर्थाष्टम द्वादशस्थानस्थितगुरुर्हस्तैः सनुसूचितं सनुसूचयिष्यमाणं यः सर्वारिष्टम् तद्विनाशद्वारा एकादशस्थानस्थितसुफलप्राप्त्यर्थम् आदित्यादिनवग्रहानुकूलता सिद्ध्यर्थम् इन्द्रायदस्ति पालाः प्रसन्नता संसिद्ध्यर्थम् उत्तम व्यवसाय प्राप्त्यर्थम् बालकयो उत्तम विद्या प्राप्त्यर्थम् जीवने सफलता प्राप्त्यर्थम् बृहस्पति देवताया अरिष्ट दोष निवारणार्थम् तस्य सुफल प्राप्त्यर्थम् आदो गणपति वरुण कल सूर्याद देवताना पूजन पूर्वकम् बृहस्पति पूजन संकल्पमहम् करिष्योमि एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि इति कश्चन सशस्त्रशोकः
सुभद्रिकां कापिलवा सिनेमा श्री गणेशाम काभ्यां आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अथ स्नानं पादोपाद्यं हस्तोरर्घ्यं मुखियात्मनीयं सर्वांगे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्त्यात्मनीयं जलं समर्पयामि वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि श्री गणेशाम काभ्यां वस्त्रान्त्यात्मनीयं जलं समर्पयामि गन्धान् धारयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं प्रदर्शयामि हस्तप्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यं कृत्वा स्थाप्य नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते पुनरात्मनीयं जलं समर्पयामि ऋतुकालफलं समर्पयामि मुखशुद्ध्यर्थे ऐलालमङ्गालताम्रपत्रं समर्पयामि कृताया पूजाय साधुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि श्रीगणेशामिकाभ्यां नमः नमस्करोमि। हाथ जोड़ करके गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे गणपति भगवान आप हमारे कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक सफल करना। ओम गजानन भूत गणाधिसेवितम् कपितजम्बु फल चारु भक्षणम् उमासुतम् सकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोले गणपति भगवान की जय। अनया पूजा श्री गणेश स्वामी के प्रियंतान नमः। आइए अब हम लोग कलश का पूजन करेंगे। कलश में सभी देव देवताओं का पूजन होता निवास होता है। आइए कलश का आवाहन पूजन। ओम वरुणस्य स्तम मनमसि वरुणस्य स्कम वसर्जन स्तो वरुणस्य तसदन्यसि वरुणस्य तसदनमसि वरुणस्य तसदनापांपति वरुणाय नमः। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सस्तिकाय समापांपति वरुणनावयं स्थापयामि पूजयामि अथ स्नानं पाद्यमर्घ्यमात्मीयं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतम् रूपयामि यज्ञोपवीतान्त्यात्मनीयं जलं समर्पयामि वस्त्रम् उपवस्त्रं समर्पयामि गन्धान् धारयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं नैवेद्यान्ते पुनरात्मनीयं जलं समर्पयामि ऋतुकालोद्भवफलं समर्पयामि मुखशुद्ध्यर्थे ऐलालमङ्गालताम्रपत्रं समर्पयामि कृताय पूजाय सार्वगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। ओ कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुच्छौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वण अंगै सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयन्तु यजमानस्य दुरिता क्षय कारका अपां पते वरुणाय नमः। या पूजा श्री वरुण देवता प्रियंतान् नमः। आइए ओंकार ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं का आवाहन पूजन करेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकारं काल देवता विना अभियान स्थापयामि पूजयामि ब्रह्मजत्यानां प्रथमं प्रस्तादु श्रीमदा सर्वप्र ब्रह्मणे नमः अभियान स्थापयामि पूजयामि इदं विश्वविचक्रमे ಸಮರ್ಪಿಯಾಮಿ गन्धान् धारयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं नैवेद्यान्ते पुनरात्मनीयं जलं समर्पयामि ऋतुकालोद्भवफलं समर्पयामि मुखशुद्ध्यर्थे ऐलालमङ्गालि ताम्रपत्रं समर्पयामि कृताय पूजाय साधुगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। ओम्यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतास्तु नुमन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदा क्रमोपनिषदिर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं निर्दोषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पूजास्यावस्थावदेवताः प्रेम्ता नमो लक्ष्मीजी का आवाहन पूजन करेंगे। ओं महालक्ष्मी स्विदमयी विष्णुभक्ति देवै तन्नो लक्ष्मी प्रदयात् भवा महालक्ष्मी नमः आवयामि स्थापयामि पूजयामि पाद्यमर्घ्यमात्मनीयं जलं समर्पयामि
वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः वृंदान धारयामि अक्षतान पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम नैवेद्यान्ते पुनरात्मनीयम जलम समर्पयामि हरितकालोद्भवफलम समर्पयामि शुद्ध्यर्थे अलालंगादि ताम्रपत्रम समर्पयामि कृताय पूजा सादगुण्यार्थे द्रव्यलक्षणम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः ओम श्री नृसिंह सिंह कमले कमलालय प्रसिद्ध वर सिंह सिंह महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी देव तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया श्री महालक्ष्मी पूजा श्री महालक्ष्मी देवता प्रियंता नमः। आइए अपने जो कुल की देवी आवती उनका ध्यान करेंगे। गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वा मातृ लोक माता धरती पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशेनाधिकारिता वृद्धो पूजा गौरी षोडशमात्रा वयं स्थापयाम पूजयाम पाद्य मार्गे मात्प्रियं जलं वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि नन्दनं धारयामि अक्षतां पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं नैवेद्यान्ते पुनरात्मनीयं जलं समर्पयामि तावद्भवफलं समर्पयामि मुक्षुद्यर्थाय लालमङ्गाय ताम्रपत्रं समर्पयामि कृताय पूजाय सालगुण्यार्थे द्रवक्षणं समर्पयामि नमस्करोमि जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा दाते स्वाहा नमस्कार पूजा गौरी षोडशमात्रिका नवग्रह का ध्यान आवाहन पूजन करेंगे। ओम आकृष्ण वर्तमान निवेशन सविता देवो जाति भुवनानुसरण सूर्यानम चंद्रमस नम भवमान उदान बृहस्पति नम शुक्रानी सूर्यादिपयाम जलम समर्पयामि श्री सूर्यादि नवगरमण्डलताभ्यं गन्धान धारयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपं धूपमागरापयामि प्रत्यक्ष दीपं प्रदर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते पुनरात्मनीयं जलं समर्पयामि तत्कालोद्भवफलं समर्पयामि मुक्षुद्यर्थाय लालमङ्गाय ताम्रपत्रं समर्पयामि कृताय पूजा सादगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्स कुरुस्थ शुक्रासनराव केतवस्त्र विग्रह शांति करा भवतु श्री सूर्यादि नवग्रहण देवता बिना पूजा श्री सूर्यादि नव देवता प्रियंतान नमः। आइए अब भगवान बृहस्पति का ध्यान करेंगे। बृहस्पति देव से प्रार्थना करेंगे कि बृहस्पति देव आप हमारे को अच्छी नौकरी प्रदान करें, बच्चों को उच्च उत्तम विद्या की प्राप्ति हो। ओम बृहस्पति अति यदरियो अर्हात भीमति भाति कद्म प्रतुमज्जनेशु यद्यदयच्छव सरित प्रजाता तदस्मा सुदृढ़ देहि चिदं वृंद बृहस्पते नमः। ओम बृहस्पति आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि बृहस्पते नमः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय स्वस्तिकाय सवानाय आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि तस्नानम् ओम वृंद बृहस्पते नमः पादोपाद्यं हस्त्योरर्घ्यं मुख्यात्मनीयं सर्वांगे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि यज्ञोपवितं परमं पवित्रं प्रजापतये सजं प्रस्ताद प्रत्यक्ष दीपं प्रदर्शयामि हस्त प्रक्षालन पूर्वकं नैवेद्यं प्रतो स्थाप्य नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते पुनरात्मनीयं जलं समर्पयामि ऋतुकालोद्भवफलमिदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मने जन्मने ऋतुकालोद्भवफलं समर्पयामि मुक्षुद्यर्थाय लालमङ्गाय ताम्रपत्रं समर्पयामि यत्पुरोखेण विखा देवा जगवतन्वतव सन्तोष्यासि राज्याङ्गकृतमद्मा श्रद्धवे कृताय पूजा सादगुण्यार्थे द्रवक्षणमिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजविभावसो अनंत पुण्य फलादमता शांतिम प्रक्षमे कृता पूजा सद्गुण्यार्थ दर्शन द्रव्य दर्शन समय ब्रह्म बृहस्पते नमः ने पूजा बृहस्पति देवता प्रियंता नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रं सगुरवे 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 नमः। अंगे आसाज ओम ग्रां ग्रीं ग्रं सगुरवे नमः। आइए अब हम लोग आरती करेंगे। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ छिन छिन भोग लगाओ कदली फल मेव। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी
तमेव वंदोस्य सखा तमेव तमेव विद्या द्रवणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव आर्ति लिंगे पापं पाप कर्मां पापात्मा पाप समत्वायमं पुनरीकाक्ष सर्व पाप भारोभव तो मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो पुनरता सत्प्रणाम विनाशस्त मित्राणाम उदयस्तव। समीर गोयल जी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो, बच्चों का पढ़ाई अच्छा हो। बोले बृहस्पति देव भगवान की।